मेरी फोटो। आप कहाँ, किससे मिलने, किसके किसके पास जा रहा था तू, स्कूटी में क्या कर रहा था? मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था पहले। नहीं पहले क्या बोला था वो बोले पहले क्या बोला था पहले क्या मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था आपको ढूंढने जा रहा था। तूने क्या बोला साले, मेरे लिए ढूंढ रहा था? आपके लिए तो जा रहा था ढूंढने, आपको ढूंढने, कल भी ढूंढना मैंने। मतलब स्कूटी पे पूरे दिन घूमता रहेगा मेरे को, तो भाई ढूंढना पड़ता है। तो जिसके साथ मैं सुबह था उसने मेरी फिर से हेल्प करी और मैं हूँ अभी रामझूला के साइड में। बट मैं जेन्युइनली ऋषिकेश वालों से जानना चाहता हूँ कुछ सवाल जिसका आंसर ये करेगा। अरे यार मुझे पहले ये बता, ये ऋषिकेश वाले इतना खुश क्यों रहते हैं अपने आप में? खुश तो है, छोटा सा ऋषिकेश है, खुश रहना पड़ता है। कल मैं साई घाट पे था तो मेरे को किसी ने कहा वो मरीन ड्राइव है। हाँ तो मरीन ड्राइव है यहाँ गोवा बीच है। अब तुम लोग मरीन ड्राइव पे गए भी हो, मुंबई वाले वो फ्रेंड मार जाएंगे। सही सही। हाँ गोवा भी, ये गोवा बीच देखो, इनका गोवा बीच देखो, वो है गोवा बीच जहाँ वो वह नहीं है झाड़ी सी, उसके उधर पे गोवा बीच है। ये लोग अपने में घुस हैं, ये लो बजट गोवा बीच है, इनको बाहर घूमने नहीं जाना पड़ता भाई साहब, ये पूरा घर में ही रखे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ एफिल टावर भी होगा यहाँ पे है भाई, मोबाइल टावर को एफिल टावर बोल देंगे। ये मैं ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को, बट मुझे बहुत फनी और बहुत यूनिक लगा ये चीज़ कि लोग खुश हैं अपने आप में, खुश है भाई पूरे फॉरनर के मजे। बट मैं सीरियस से जाना चाहता हूँ गोवा बीच, क्यों कहते हैं फॉरनर आते हैं वहाँ पे, बात लेते हैं फॉरनर, कहाँ कहाँ लेते हैं त्रिवेदी घाट, त्रिवेणी घाट है यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, बट मेरा अजम्पशन है यहाँ पे कि लेनी की देनी हो जाती है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहते हैं, घटिया जो क्या है ना। मैं दो लोगों को सुनाया था कोई हंसा नहीं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग यहाँ पे अपनी पॉटी क्यों साफ़ कर रहे हैं। मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच में, एक बंदा धो रहा था, क्या धो रहा था मैंने देखा नहीं, मैं लड़कों की नहीं देखता। कौन बोला, कोई बोला, मैं पैसे नहीं बोला वे, वही लोग हैं जो फेसबुक पे फोटो डालेंगे बाद में हैविंग फन टाइम विद फ्रेंड्स एंड 69 अदर्स। जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, ऐसा कॉन्फिडेंस मिल जाए ना, मेरी जिंदगी सफल है। और मेरा तो पेट भी नहीं है। हाँ हेलो, कैसे हो आप? आप जानते हो मुझे? अरे सो नाइस ऑफ यू, आप भी संस्कारी हो। ओके आई नो वीडियो छोटी है और थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है मेरे लिए वीडियो बनाना, वो भी अकेले, क्योंकि मैं बादल दिखाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, और मेरी एंटरटेनमेंट व्लॉग है इसलिए छोटी रखनी पड़ती है मुझे। मैं चाहता नहीं, मैं 10 मिनट का कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कल पक्का कुछ भी करके मैं 10 मिनट का कंटेंट बना रहूँगा, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जो तुम सजेशन दे रहे हो नॉर्मल टॉपिक्स के वो भी कर सकूँ मैं ट्रैवलिंग के दौरान, बट पॉसिबल नहीं। बट गुड न्यूज़ में मेरे पास है कि मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ तो 15 तारीख से पक्का तुम्हें नॉर्मल वीडियोज़ मिलेंगी जैसे मैं पहले करता था ठरक के साथ। फर्क वैसे मैं भी करता हूँ, बस लिमिटेड होता है क्योंकि मैं पब्लिक में कर रहा था, पाप लगे मुझे। अभी के लिए ना कॉफी है, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट myhugyani.com/shop, क्योंकि निकल पकौड़े मर्च जो भी हैं ये 15 अगस्त के बाद शिप होंगे सारे ऑर्डर, 20 तारीख बाद सेम प्राइसिंग हो जाएगी और तुम्हें वापस ये जो डिस्काउंटेड अमाउंट है नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर चेक आउट myhugyani.com/shop फॉर ऑल द न्यू डिजाइन। साथ ही साथ अगर तुम्हें ऑटो ट्रैक पसंद आता है तो चेक आउट D&Duos, क्योंकि ये है इंडियन रिहाना की आवाज़, मुझे पसंद है गाना D&Duos के चैनल पे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी फॉर ऑल द डिलेज, मैं क्या करूँ उस किचगढ़ के बंदर की तरह मैं भी मजबूर हूँ, बाप लगे मुझे। सो हिलाओ और सो जाओ क्योंकि वो नहीं देगी, मैं नहीं दे रहा, साली हमें नहीं मिलती, बाप लगे सबको। चलो बाय, पीस।